हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी भी देश के लिए किसी भी कंपनी का। मान लीजिए आप लोग दुबई, कतर, कहीं पर भी किसी भी कंपनी में या साउथ अफ्रीका किसी भी कंपनी में कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, कौन सा ऐसा ऐप है जिससे हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग को स्टोर कीपर में ही अप्लाई करना हो, इंजीनियर में अप्लाई करना हो, किसी भी ट्रेड में अप्लाई करना हो, तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं आज हम बात करेंगे। किसी भी कंट्री का किसी भी कंपनी में कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, किस ऐप के द्वारा करें, आज ये मैं बताऊँगा आप सभी को। दोस्तों ये बताने से पहले आप सभी से मैं छोटा रिक्वेस्ट करूँगा, जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और प्रेस करके दोस्तों ऑल कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें किसी भी कंट्री का किसी भी कंपनी में। आप लोग अपने मन पसंद कंपनी में अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, बिना किसी एजेंट का, बिना किसी ऑफिस का ऑनलाइन अप्लाई आप लोग कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी में। कैसे करें, वो लोग अपना वैकेंसी खुद उस ऐप पर डालता है, उस ऐप पर आप लोगों को वैकेंसी दिखेगा, वो खुद उस पर अपना वैकेंसी डालता है कि हमको ये आदमी चाहिए। तो आप लोग ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना एजेंट बिना ऑफिस, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें आज मैं ये बताऊंगा आप सभी को। इसमें यह है कि आप लोग जिस किसी भी कंपनी को अगर आप उसको चाहिए कि मेरे को कारपेंटर चाहिए, मेसन चाहिए, बेल्डर चाहिए, तो लोग अपना वैकेंसी उस पर ऐप पर डालता है, उस कंपनी का लिंक उस पर रहता है, उसका नाम रहता है, सब कुछ उसमें रहता है, उसमें उसका वेबसाइट रहता है, जीमेल आईडी रहता है, टेलीफोन नंबर रहता है, A to Z रहता है। दोस्तों चलिए बताता हूँ ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग। दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसमें लिखना है LinkedIn। LinkedIn ओपन करेंगे आप तो ऐसे ओपन होगा, मैंने ऑलरेडी लोड किया हुआ है तो आप लोगों को लोड करना है, उसके बाद उसको ओपन करना है। ठीक है, मैंने ओपन कर दिया है, आप लोग देख रहे हैं, और उसके बाद आप लोग नीचे देख रहे होंगे लिख रहा है जॉब, लिख रहा होगा जॉब्स, तो उस पर जॉब पर क्लिक करना है। उसके बाद से आप लोगों को नीचे देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये कौन सा वैकेंसी है, स्टोर कीपर का है, बहुत सारा वैकेंसी इसमें आप सभी को नज़र आएगा। तो आप लोग जो ट्रेड का काम करते हैं उसमें आप लोग अप्लाई सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे ट्रेड का वैकेंसी रहता है, बहुत सारे कंपनी का रहता है, तो आप लोग ऐसे अपना ट्रेड ढूंढ के आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, इसलिए कि इसमें सारे बहुत सारे कंपनी को वैकेंसी रहता है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे अप्लाई करना है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं क्वेश्चन भी करेंगे कि आप बताइए। तो अभी मैं देखिए इसमें सिविल इंजीनियर का ट्राई करता हूँ, आप लोगों को सिविल इंजीनियर का दिखाता हूँ। तो इसमें सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सब इंजीनियर आ जाता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, जिसमें आपको जाना हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में किसी उस कंट्री का भी नाम डाल सकते हैं जिस कंट्री में आपको जाना है। तो अभी देखिए इंजीनियर लिखा हुआ है, अभी सिविल कर दे रहा हूँ, तो अभी सिविल का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिविल कर दिया हूँ, अभी आएगा, देखिए इसमें आ गया सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर दिया है, स्ट्रक्चरल है, सिविल बाय इलेक्ट्रिक इंजीनियर दिया है, उसके नीचे दिया है सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर को हम लोग क्लिक करेंगे। तो उसके बाद से देखिए दे रहा है अप्लाई, तो अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद देखिए आगे कैसे ओपन हो रहा है, वैसे मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये ओपन हो गया है, आप लोगों को इस पूरा पढ़ लेना है जो भी है, और ये आप सामने आया है, इसको साइड में कट करने के लिए दिया होगा तो कट कर देना है, और ये पूरा पढ़ लेना है A to Z। इसके आपके विषय में पूरा क्या रूल्स है, उसमें कितना सैलरी, सब कुछ इसमें लिखा रहेगा, किस कंपनी का है ये सब कुछ आपको उसमें लिख के मिलेगा दोस्तों। A to Z इसमें रहा है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए इसको, 10 साल का इसमें दिखा रहा है, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसमें कितना एक्सपीरियंस इस कंपनी को चाहिए वो सब इसमें लिख के आएगा दोस्तों। तो ऐसा आप लोगों को जितना सब कुछ आप लोग अगर इसमें पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग क्लियर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। तो ऐसे होता है ऑनलाइन अप्लाई किसी भी कंपनी में किसी भी
देश में ऐसे अप्लाई करते हैं दोस्तों, आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों आप लोग किसी भी देश के लिए किसी भी कंपनी का अप्लाई कर सकते हैं और वही बिना एजेंट बिना ऑफिस का। इसमें आसानी से आप लोग अपना जो कंपनी अच्छा कंपनी देख के आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को जय हिंद।